ओम नमः शिवाय। आज के वीडियो में हम समझेंगे होरा बल क्या होता है। षडबल की गणना में जब हम कालबल की गणना करते हैं तो वर्ष का पहला दिन कौन सा था ये चेक कर लिए, महीने का पहला दिन कौन सा था ये चेक कर लिए। अब जिस समय आपका जन्म हुआ है, होरा का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है आवर यानी घंटा, एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, यानी पूरे 24 घंटे को 24 बराबर भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। अब एग्जैक्टली 24 घंटे तो एक दिन में नहीं होते हैं, साइंटिफिकली कहा जाए तो 24 घंटे ही माना जाता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली कहा जाए, ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है वो दिन कहा जाता है, और सूर्यास्त से लेकर अगले सूर्योदय तक का जो होता है उसको रात्रि की संज्ञा दी गई है। तो इस पूरे को हम लोग 24 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दिन के होरा को बराबर बराबर 12 पार्ट में और रात के होरा को बराबर बराबर 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रत्येक पार्ट का जो प्रारंभ होता है उन दिन के अधिपति से होता है। जैसे मान लीजिए रविवार है तो यानी पहला जो सूर्योदय से एक घंटे का टाइम होगा, रफली समझिए सूर्योदय से जो पहला एक घंटा होगा उसमें सूर्य देवता का होरा चलेगा, अर्थात सूर्य को वहां पे बल मिल रहा होगा। उसके अगले घंटे के बाद देखा जाए तो इसका एक सीक्वेंस होता है, ऐसा नहीं होता है कि सूर्य के बाद चंद्र, चंद्र के बाद मंगल, इस तरीके से नहीं होता, इसका सीक्वेंस होता है। सबसे पहले सूर्य को देखते हैं, सूर्य के बाद जो दूसरा होरा होता है वो हमेशा शुक्र का होरा होता है, तीसरा होरा जो बनता है वो बुध का होता है, चौथा चंद्रमा का होता है, पांचवा बृहस्पति शनि का होता है, और छठवा होरा बृहस्पति का और सातवा होरा मंगल का होता है। इसी सीक्वेंस में हमें चलना है। तो एक से लेकर 7 तक के होरा आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको एग्जाम्पल से कैसे समझिएगा, मान लीजिए कि दिन रात बराबर है, 24 घंटे का पूरा एग्जैक्टली दिन आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि सूर्य मतलब सूर्योदय 6 बजे का है सपोज कीजिए, और जातक का जन्म जो है 9:03 का है। सूर्योदय 6 बज का है और जातक का जन्म 9:03 का है। इसका मतलब है पहले 6 से लेकर 7 तक का जो टाइम होगा वो, और मान लीजिए थर्सडे का दिन था, बृहस्पतिवार को जन्म हुआ, एग्जाम्पल लेके चल रहा है, तो जिस दिन जन्म होगा उस दिन पहला जो हो रहा होगा उसी देवता का होगा जिसका, जिसके नाम से उस दिन को बनाया गया है। तो बृहस्पतिवार में यानी गुरुवार को, तो 6 से 7 का जो आवर होगा पहला जो हो रहा होगा वो बृहस्पति देव का होगा। बृहस्पति देव के बाद किसका होगा, मंगल देवता का, यानी 7 से 8 में मंगल देवता होगा। 8 से 9 में फिर किसका होगा, सूर्य का हो रहा बनेगा, और 9 से 10 में क्या बनेगा, शुक्र का हो रहा बनेगा। इसका मतलब है जातक का जन्म 9:03 पर हुआ है, इसका मतलब शुक्र के होरा में हुआ है। तो होरा बल जो है शुक्र को मतलब मिलेगा जो भी वैल्यू है, लेकिन बाकी ग्रहों को वैल्यू नहीं मिलेगा, और इसी को हम लोग होरा बल कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओम नमः शिवाय।